नहीं खाता, he's got lot of control. सोचिए, बहुत जरूरी चीज है. हैं जी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. विवेक, इंटेलिजेंस. What would you like to say? They don't have intelligence? Intelligence है, ये कभी मिस्टेक मत करना कि बोलना इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि लाइट ऑन करती कॉकरोच भाग जाता है. लाइट ऑन करती कॉकरोच भाग जाता है. और कुत्ते को ट्रेनिंग दो, आदमी एक बार दोबारा बदमाशी कर देता है, तो कुत्ता एक बार पिट जाता है तो हट, तो पता लगा वो दोबारा नहीं आता, फिर जानता है कि पिटता हूं. That's how it gets trained. जब गड़बड़ करता है तो पिटता है, जब कुछ अच्छा करता है तो बिस्किट मिलता है. सो इंटेलिजेंस तो है, जब भी तो ट्रेन हुआ, हम भी तो ट्रेन ही हुए हैं एक्चुअली, पैदा होते ही थे हम कंप्यूटर जीनियस. हैं जी, नहीं, वी हैव ऑल्सो बीन ट्रेन्ड बिकॉज वी गॉट इंटेलिजेंस. सो दिस वी कम डाउन टू द पॉइंट दैट वी आर मोर इंटेलिजेंट देन एनिमल्स. ओके, वेरी राइट. बट आई वांट टू आस्क यू वन पर्टिकुलर थिंग, दैट दिस इंटेलिजेंस आर वी यूजिंग इन एनी स्पेशल वे और मोर देन द पर्सन, मोर देन द एनिमल? इसकी यूटिलाइजेशन में अब आते हैं हम. इंटेलिजेंस मान गए हम ज्यादा है, क्या स्पेशल हमारे जो हायर इंटेलिजेंस है शुड बी यूज फॉर हायर थिंग्स और लोअर थिंग्स? हायर थिंग्स. सो वॉट हायर थिंग आर वी यूजिंग आर इंटेलिजेंस फॉर? वॉट वी आर यूजिंग इट फॉर? और यह हो सकता है कि यार मैं नहीं कर रहा अभी, परंतु इट शुड बी यूज फॉर दिस. सी, ये भी होता है, दो चीजें होती है, एक मैं नहीं कर रहा परंतु ऐसा करना चाहिए. वन थिंग इज दिस, आई मे नॉट बी यूजिंग माई हायर इंटेलिजेंस, बट दिस हायर इंटेलिजेंस एक्चुअली शुड बी यूज फॉर दिस. क्या है वो? नहीं, ये बहुत जरूरी है, कहीं वी आर नॉट, कहीं ऐसा ना हो कुत्तों को जीवन जी रहे हो. हाँ हाँ, वी हैव टू. हाँ प्रभु जी, पूरा लाइफ एंड में देखा गया, अरे यार ये क्या हुआ, वो चार परों पे घूमता था, हम चार पहियों पे घूमते हैं, दौड़ रहा है वो भी दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, कि हम दोनों एक ही चक्कर में तो नहीं है? हायर इंटेलिजेंस भी फेल हो गई वो हमारी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली, कंपैरिजन से पता लगता है ना प्रभु जी, हाउ डू यू नो एग्जैक्ट? हैं जी, व्हाट इज द गोल? द डॉग इज ऑल्सो, ही वॉन्ट्स टू ईट, ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी. हैं जी, टू मेक एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई आवर सोल. ओके, यस, दैट्स आंसर. आई कम डाउन टू दैट. फुल्ली यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर वॉट? इफ आई एम यूटिलाइजिंग लेस रिसोर्सेज एंड अर्निंग मोर देन बिल गेट्स, एंड बिल गेट्स इज यूटिलाइजिंग ऑल हिज रिसोर्सेज अर्निंग स्टिल लेस देन मी, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है. फर्क कहां है? वो कहते हैं ना, बहुत बड़ा बिस्तर, बहुत बड़ा कमरा, 12 इंच का डनलप, स्प्रिंग मैट्रेस, परंतु नींद नहीं, तो उससे बढ़िया आदमी कौन हुआ? ना बिस्तर ना कुछ, परंतु घराटे मार के सो रहा है, तो बिस्तर का काम क्या था? सो सके, उसकी नींद गायब है, तो उसका मतलब भिखारी कौन हुआ? बिस्तर वाला, क्योंकि उसको नींद भी नहीं है. टू गेट रिड ऑफ, रिड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ओके, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. हाउ? बाय डूइंग व्हाट? हैं जी, मेक आर सेल्स हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी. हाउ वुड यू गेट हैप्पी? अदर्स को भूल जाओ पहले, ये समझिए इस बात को. हम अदर्स की बात करते हैं, हम खुद हैप्पी नहीं है. चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम एंड होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ. होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ.
सो फर्स्ट वी शुड ट्राई टू मेक आवर सेल्स हैप्पी, राइट? हाउ विल वी गेट हैप्पी? नॉलेज ऑफ व्हाट? मैं इस पर टाइम थोड़ा खर्च कर रहा हूं, इसलिए कि मंथन होगा ना थोड़ा, तो कुछ कुछ मक्खन निकल के आएगा, नहीं तो पता लगा ऐसी छाछ पी के चले जाएंगे. थोड़ा टू मेक अ प्लेस, आपने हैप्पी किया, उन्होंने कहा दूसरों को भी हैप्पी, मेक अप दिस प्लेस अ हैप्पी प्लेस टू लिव. हाउ? बाय मेकिंग मोर डिस्कोस, मोर पब्स, इजी डाइवोर्सेस. या दैट्स व्हाट एक्चुअली अमेरिकन सोसाइटी इज दिस ऑल अबाउट, मोर स्टॉक पाइल ऑफ एमुनिशंस एंड वेपन्स, मोर हेट क्राइम्स. दिस इज इंडियन, दिस इज पाकिस्तानी, दिस इज अ पाकी, दिस इज वॉट, हाउ हाउ, वॉट डू यू मीन बाई हैप्पीनेस? डज इट मीन टू ईट वेल? Does it mean to sleep well? Does it mean to have a good mate to mate well? Does it mean to defend well? What does this mean actually? Now listen. There is a Hit Upadesh by the book by the name of Hit Upadesh. Hamare hit ke liye upadesh. Ahar nidra bhay maithunam samanyam etat pashubhir naranam. Very simple Sanskrit. मैं कोई संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, बचपन से कॉन्वेंट्स में पढ़ा हूँ, फादर वाज़ इन द आर्मी, परंतु मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप भी, आपको भी पता, आप भी जान सकते हो. मैंने कोई बचपन से पंडिताई नहीं करी है. आहार समझ गए, निद्रा समझ गए, भय का मतलब बचाओ, मैथुनम च, चार चीजें. सामान्यम एतद, सामान्यम एतद पशुभिर नरानाम, पशु और नरों में ये चारों चीज कॉमन है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, आज जितनी एडवांसमेंट, जितनी पढ़ाई, जितना बिजनेस, जितनी सर्विस, जो भी कुछ करते हो, इन चार चीजों के बाद पांचवी चीज बताओ उसके लिए करते हो आप. इन चार को छोड़कर पांचवी चीज बताइए. आहार निद्रा भय मैथुनम, इस चार को छोड़कर पांचवी किस चीज के लिए आप कोई भी पढ़ाई कार्य कुछ भी जो करते हो, इन चार चीजों को छोड़कर आज इस विश्व के अंदर, इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे 99.99% लोग यही चार चीज कर रहे हैं. पांचवी चीज अगर कोई कर रहे हैं तो बताइए. सर्च फॉर नॉलेज फॉर दिस फोर. आई एम टॉकिंग 99.9% पीपल, नॉट 0.1% पीपल हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दे आर हियर. 0.1 में तो आंसर आया है, मुझे दो आंसर्स आए हैं, वो 0.1% वाले लोगों के लिए हैं. मैं 99.9 की बात कर रहा हूं. नॉलेज किस लिए, पैसा किस लिए, किसी पढ़ाई क्यों करी, ये क्वेश्चन हम बेसिक है. ये हम, मैं IIT से लेके IIM तक में भी ये क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा सिंपल, क्योंकि हकीकत में है ही नहीं. पांचवा कार्य कोई 99.9% लोग कर ही नहीं रहे. हम इन्हीं चार के द्वारा हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. जानवर भी यही कर रहा है. तो हमारी एक्स्ट्रा हायर इंटेलिजेंस कहाँ काम आई, उसका मतलब इन रियलिटी वी आर कंपीटिंग विद एनिमल्स. सोचिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपके सामने रख रहा हूं कुछ चीजें. वी आर एक्चुअली कंपीटिंग विद एनिमल्स. आई गिव यू एन एग्जांपल नाउ. वन ऑफ माय कजन्स, हिज फादर वाज द जज इन द राजस्थान हाई कोर्ट. वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज वाज एन IG विद पंजाब पुलिस. ही हिमसेल्फ वाज 25-30 इयर्स इन स्टेट्स. ही लिव्स ऑन अशोका मार्ग, जो आपका ये सी स्कीम वाला है. ही फ्यू इयर्स बैक आई मेट हिम, तो मैंने उनसे बात होते, उसने कहा रीबर्थ है क्या? मैंने कहा है. बोलते अगर रीबर्थ है, अगर रीबर्थ है तो मेरा तो अमेरिका में, मैंने अमेरिका में जन्म चाह रहा होगा. बोलते अमेरिका में किसी मेम के या कुत्ते का जन्म हो जाए. एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, आपने अमेरिका में और वो भी मेम के यहाँ, किसी बड़ी मेम के यहाँ कुत्ते का जन्म क्यों मांगा? बोलते दे आर बेटर ऑफ देन अस. वो पैदा होते लिमोजीन में घूम रहा है, मरते दम तक लिमोजीन में घूमेगा. कभी उनके हाथों से नीचे उतरता नहीं है, कभी जमीन छुई नहीं उसने. बोलते यही तो हम चाह रहे हैं. AC में रहता है, गैजेट्स लगे हुए हैं, नॉन पॉल्यूशन रूम्स हैं,
स्विमिंग पूल है उसका अपना, जिसमें कोई आदमी अलाउड नहीं है, और जबकि यहां के आदमियों के स्विमिंग पूल में कुत्ते अलाउड नहीं है, वहां कुत्ते के स्विमिंग पूल के अंदर आदमी अलाउड नहीं है। जब वो पेरिस जाती है या एल्प्स में जाती है घूमने के लिए, तो कुत्ता साथ में जाता है, और क्या कपड़े पहनता है। बात सही थी कि गलत थी? और यही मेरे साथ हुआ था। मैंने फर्स्ट जॉब बॉम्बे में फाइव स्टार, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो हमारे रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति आता था, ये बात कर रहा हूँ 80 की, ही स्टडीड इन स्विट्जरलैंड एंड ही वाज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बॉम्बे एंड यूज टू कम एवरी आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून आता था वो लंच टाइम पे, और कम से कम 1,500 रुपये की कोनियाक विद हनी पी के जाता था वार्म वाटर के साथ, अपने आराम से बैठेगा अपना, तो रेगुलर कस्टमर था। एक दिन घुसा रेस्टोरेंट में, सीधा चला गया किचन के अंदर। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। सीधा किचन में चला जाने के बाद उसने एग्जीक्यूटिव शेफ को नाम से बुलाया,